मुंबई उपनगर के विलेपार्ले में बीमा पॉलिसी के 2,87,000 रूपए दिलाने के नाम पर 3,88,10,988 रूपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। क्राइम ब्रांच ने 4 जालसाजों को दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया। पुलिस की जांच में आरोपियों ने दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश के 48 फर्जी बैंक खातों में करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन किया था। विलेपार्ले में रहने वाले LIC एजेंट एवं अकाउंटेंट राजेंद्र मांडविया ने अपनी बेटी के नाम 20,89,922 रूपए की बीमा पॉलिसी निकाली थी। पॉलिसी पूरी होने पर एक प्रीमियम नहीं भरने की वजह से उन्हें केवल बीमा पॉलिसी का 18,02,922 रूपए ही मिले। उन्होंने बीमा कंपनी से 2,87,000 रूपए पाने के लिए क्लेम किए। मांडविया बीमे की यह रकम पाने के चक्कर में जालसाजों के चंगुल में फंस गए। 4 जालसाजों ने उन्हें बीमे की रकम दिलाने का झांसा देकर उन्हें बैंक खातों से 3,88,10,988 रूपए ही उड़ा लिए। मांडविया ने विलेपार्ले पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। नवभारत समाचार मुंबई महाराष्ट्र से मुरारी सिंह की रिपोर्ट। क्राइम ब्रांच यूनिट 6 मुंबई, यहाँ पे एक अपराध का तफ्तीश हो रही थी। जिस अपराध में इस तरह की खबर थी, एक फिरियादी है जो खुद LIC एजेंट है और अकाउंटेंट भी है। उन्होंने कुछ अलग अलग बीमा कंपनियों में अपने और अपने लड़कियों के बीमा पॉलिसीज निकाले थे, लेकिन बाद में उनको पसंद न होने के कारण उन्होंने उसको कैंसिल करवाया था। उसके माध्यम से 21 लाख रुपये जो उन्होंने उसमें दिए थे, उसमें करीब करीब 18 लाख रुपये उनको वापस मिले थे और 2,87,000 करीब करीब 3 लाख रुपए उनको वापस आना था। इसलिए वो उस बीमा कंपनी से ईमेल, पत्र व्यवहार और अलग तरीके से उसे करस्पॉन्डेंस कर रहे थे। इसी दौरान 2015 से लेकर 2020 में उनको अलग अलग लोगों ने संपर्क किया। उन्होंने इनकी जो अमाउंट थी वो वापस दिलाने का लालच दिखा के और NOC, IRD चार्जेस, IRB चार्जेस, TDS चार्जेस, लीगल फीस, इनकम टैक्स चार्जेस, ऐसे अलग अलग रीज़न दे के उनसे अलग अलग लोगों के 48 अकाउंट्स में उनसे अमाउंट ट्रांसफ़र करवा के लिए, जो अमाउंट कुल 3,88,00,000 रुपए तक होती है। इस तरह से उसमें उनकी चीटिंग की गई, धोखाधड़ी की गई। इसके तहत अपराध दर्ज होने के बाद में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया, तब ये पता चला कि जो बैंक अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र हुई है वह फोर्ज अकाउंट है और एक व्यक्ति के नाम पे अनेक अकाउंट भी उसमें निकाले गए हैं। इस इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन में एक टीम दिल्ली भेजी गई थी, जो अकाउंट दिल्ली और नोएडा में बने हुए थे वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया गया और वहाँ से इस तरह से 3 आरोपियों को हिरासत में लेके उनका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। साथ में ये भी पता चला कि अन्य एक अपराध में एक आरोपी अरेस्ट था, उसको भी ट्रांजिट रिमांड में लिया था। अब तक इस अपराध में 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है और प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार इन आरोपियों के ऊपर जम्मू कश्मीर, बेंगलोर ऐसे अन्य जगह में भी अपराध दाखिल है। इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू है और ACP इनके अंडर में, इनके नेतृत्व में एक SIT गठित की गई है और ये SIT अपराध का इन्वेस्टिगेशन